स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस के बारे में बात किए थे। स्ट्रॉन्ग उन्हें कहा जाता है जो कंप्लीटली आयनाइज करता है, वीक उन्हें कहा जाता है जो पार्शियली आयनाइज करता है। और जनरली जो वीक एसिड एंड वीक बेस के एग्जाम्पल्स होते हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शन हो करते हैं। यहाँ आज हम लोग आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर KW के बारे में बात करेंगे और फिर पीएच स्केल की तरफ में शिफ्ट करेंगे। पहले आयनाइजेशन ऑफ वाटर के बारे में। वाटर को वीक इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। इलेक्ट्रोलाइट वैसे केमिकल सब्सटेंस को कहते हैं जो आयनाइज करते हैं एक्वस मीडियम में और आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। वाटर भी एक्वस मीडियम में खुद ही एक्वस वाटर ही है, तो ये आयनाइज कर H+ एंड OH- आयन का फॉर्मेशन करता है। और चूंकि ये पार्शियली आयनाइज करते हैं इसलिए वीक के एग्जाम्पल हो गए, इन्हें वीक इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। वाटर का आयनाइजेशन होता है H2O, इट पार्शियली आयनाइजेस एज H+ + OH- हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन का फॉर्मेशन करता है। ब्रॉन्सफील्ड एंड लॉरी कांसेप्ट आप याद करो, एम्फोट्रिक बिहेवियर शो करता है वाटर मॉलिक्यूल। ये एसिड के साथ रिएक्ट कर बेस जैसा ट्रीटमेंट देता है और बेस के साथ रिएक्ट कर एसिडिक बिहेवियर शो करता है, यानी कि एम्फोट्रिक नेचर का हो। तो ये H+ एंड OH- का फॉर्मेशन करता है। अगर इसके इक्विलिब्रियम कंडीशन को लेकर चले तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC को यूज अगर हम लोग करें या KD यूज कर सकते हो, इट इज द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इनटू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन डिवाइडेड बाय मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ध्यान से थोड़ा समझना, हम लोग पहले पढ़े हैं कि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के कंसेंट्रेशन को वन माना जाता है क्योंकि उनका कंसेंट्रेशन कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं करता है। तो यहां पर ये वाटर कांस्टेंट हो गया, इनका मोलर कंसेंट्रेशन वैल्यू, ये के ऑलरेडी कांस्टेंट है, इस के को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा जाता है, केसी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वाटर का मोलर कंसेंट्रेशन कांस्टेंट है, तो ये दोनों मिलकर एक नए कांस्टेंट का फॉर्मेशन। यानी कि अगले स्टेप में इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, K into H2O इट वुड बी इक्वल टू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इनटू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। ये आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर, और ये वाटर मॉलिक्यूल है लिक्विड फॉर्म में है, सॉल्वेंट के फॉर्म में है, ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, ये दोनों मिलकर एक नए कांस्टेंट का फॉर्मेशन करते हैं जिन्हें हम लोग KW से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर या आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर कहते हैं। और फॉर्मूला ये निकल कर आया H+ × OH-। इस KW का एक वैल्यू है, इसे पहले हम लोग यहां लिख लेते हैं कि KW है क्या। तो वेयर KW इज ए कांस्टेंट नोन एज आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, आयनाइजेशन कांस्टेंट या इसे डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कहा जाता है ऑफ वाटर, और इनका एक वैल्यू है जो कि कांस्टेंट है तो फिक्स है, इसे 1.0 × 10⁻¹⁴ कहा जाता है। और जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू वही रहेगा, इसलिए इसे 10⁻¹⁴ भी लिख सकते हैं हम लोग। तो ये KW का वैल्यू हो गया। तो एक्वस मीडियम में चाहे सोल्यूशन एसिडिक हो, बेसिक हो या न्यूट्रल हो, KW का वैल्यू 10⁻¹⁴ ही होगा। अब किसी भी सॉल्यूशन को अगर हम कंपेयर करते हैं कि वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा या फिर न्यूट्रल होगा, तो वाटर आयनाइज कर H+ एंड OH- का फॉर्मेशन करते हैं। वाटर का pH वैल्यू 7 होता है, वाटर न्यूट्रल है, यानी कि न्यूट्रल कहने का मतलब यह हुआ कि जहां हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन इन दोनों का कंसेंट्रेशन सेम होता है, यानी कि सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक होगा या बेसिक होगा ये डिपेंड करता है कंपैरेटिव कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, देन द सॉल्यूशन वुड बी न्यूट्रल। तब उस कंडीशन में वो सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है। एसिड उन्हें कहा जाता है जो वाटर में जाकर H+ का फॉर्मेशन करते हैं।
तो नॉर्मल कंडीशन में वाटर में H प्लस और OH माइनस बराबर होता है। अब जब किसी एसिड को डालते हो, जैसे कि एग्जांपल बताते हैं, यहां थोड़ा ध्यान से समझना, H2O ये पार्शियली आयनाइज किया एज H प्लस प्लस OH माइनस, हाइड्रोजन आयन भी और हाइड्रोक्सिल आयन भी इक्वल नंबर में ये बना है। अब सपोज अगर आप HCl डालते हैं, तो HCl डाले तो यहां फॉर्मेशन कर लिया H प्लस प्लस Cl माइनस का। तो देखो पहले हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बराबर था, अब HCl के डालने से हाइड्रोजन आयन बन गया, इसका मतलब सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा। तो अगर किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन ज्यादा है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोक्सिल आयन, तब वो सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का हो जाएगा, तब इन्हें एसिडिक कहा जाता है। वही अगर सॉल्यूशन में किसी बेस को आप डालते हो, जैसे NaOH को, तो ये NaOH आयनाइज करता है Na प्लस प्लस OH माइनस, तब देखो पहले H प्लस और OH माइनस बराबर था, अब इस NaOH के डालने पर OH का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गया। तो अगर हाइड्रोजन आयन के रिस्पेक्ट में हाइड्रोक्सिल आयन का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो, तब उस कंडीशन में वो सॉल्यूशन बेसिक नेचर का माना जाएगा। यानी कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों में किनका सॉल्यूशन, किनका कंसेंट्रेशन ज्यादा है, या फिर किनका कंसेंट्रेशन, दोनों का कंसेंट्रेशन कहीं बराबर तो नहीं है। अगर इक्वल रहा तो न्यूट्रल, अगर H प्लस ज्यादा है तो एसिडिक, और OH माइनस अगर ज्यादा है तो भी बेसिक। इसको आपने यहां कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, इट इज पीएच स्केल। कई स्टूडेंट्स पीएच लिखने में गलती करता है, यहां ध्यान से देखो, ये पी स्मॉल लेटर्स है और एच कैपिटल लेटर्स है। ये स्मॉल पी पोटेंश यानी कि पावर को रिप्रेजेंट करता है, और ये एच हाइड्रोजन के लिए यूज किया गया है, इसलिए पीएच लिखते वक्त में ध्यान दीजिएगा, पी स्मॉल होगा और एच कैपिटल होगा। अगर P को आपने कैपिटल कर दिया तो फास्फोरस और हाइड्रोजन हो जाएगा, और अगर H को आपने स्मॉल कर दिया तो फिनाइल को रिप्रेजेंट कर देगा। यहां H एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइड्रोजन एलिमेंट को, और जब भी किसी एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं तो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। हाँ, एक से ज्यादा अगर लेटर यूज किए जा रहे हैं उसके सिंबल के रिप्रेजेंटेशन में, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, बाकी स्मॉल होता है। पीएच कहा जाता है, इट इज द पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन कितना है वो उसके पीएच वैल्यू को बताता है। इट इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, यानी कि डेफिनेशन के अनुसार से अगर पीएच का फार्मूला निकाला जाए तो पीएच इज इक्वल टू होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, यानी कि माइनस लॉग एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन। और इस पीएच के वैल्यू से हम लोग ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। किसी भी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू, चाहे वो एसिडिक हो, बेसिक हो या न्यूट्रल हो, उनका पीएच वैल्यू 0 से लेकर 14 के बीच में होता है। कोई भी सॉल्यूशन अगर आप देखते हैं, ये 0 टू 14 वैरी करता है। नीचे क्लासेस में भी आप पढ़े होंगे 0 टू 14, यहां ध्यान से देखना थोड़ा सा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये हो गया 14। अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 है तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है तो 7 से जितना ज्यादा होगा वो सॉल्यूशन उतना ही बेसिक नेचर का होगा, वो बेसिक होगा। और अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 से कम है, यानी कि नीचे की तरफ है, तो उस कंडीशन में वो एसिडिक माना जाता है, और अगर 7 है तो उन्हें न्यूट्रल कहा जाता है। ये एरो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि जैसे जैसे हम लोग 7 से 14 की तरफ में बढ़ रहे हैं, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, बेसिसिटी उसका बेसिक वैल्यू नेचर जो है वो इंक्रीज कर रहा है, और 7 से जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, 0 की तरफ में बढ़ रहे हैं, तो वैसे वैसे उनका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। तो अगर दो सॉल्यूशन दिया हुआ है, अगर मान लीजिए सॉल्यूशन ए है और सॉल्यूशन बी है,
ए का पीएच वैल्यू 4 है और बी का पीएच वैल्यू 3 है। आपसे इनका नेचर अगर पूछा जाएगा तो देखो ए और बी दोनों का पीएच वैल्यू 7 से कम है, दोनों एसिडिक नेचर का होगा। अब इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक होगा, तो 7 से जैसे जैसे 0 की तरफ बढ़ते हैं एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, तो ए के कंपैरिजन में बी ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा। यानी कि दो सॉल्यूशन का कंपैरेटिव एसिडिक बिहेवियर और बेसिक बिहेवियर हम लोग पीएच वैल्यू से निकाल सकते हैं। तो पीएच करेंगे यहां से यहां गया, पीएच के साथ में एक और टर्म आता है पीओएच। तो जैसे पीएच का मतलब हुआ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, उसी तरह से पीओएच का मतलब होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्सी आयन कंसंट्रेशन। क्योंकि किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन भी प्रेजेंट होता है और हाइड्रोक्सी आयन भी प्रेजेंट होता है। तो अगर हाइड्रोजन आयन है तो फिर ठीक है, अगर नहीं है तो आप हाइड्रोक्सी आयन का यूज करके आप पीओएच वैल्यू निकाल सकते हैं। और किसी भी सॉल्यूशन के पीएच और पीओएच वैल्यू का सम 14 के बराबर होता है, यानी पीएच प्लस पीओएच इट इज इक्वल टू 14। तो अगर पीएच या पीओएच दोनों में से कोई भी एक पता है तो हम ये निकाल सकते हैं। लेकिन नेचर मेरा सजेशन है कि आप आइडेंटिफाई करोगे पीएच के अनुसार से, पीओएच से तो फिर उल्टा करना पड़ेगा। पीओएच अगर लेके चलते हैं तो उल्टा करना पड़ेगा, तो दो दो कंसेप्ट ओवरलैप कर जाएगा। तो एसिडिक है या बेसिक है वो पीएच वैल्यू पर, पीओएच अगर निकाल लिए हैं आप, पीएच निकालना है तो 14 में से पीओएच वैल्यू को माइनस कर दीजिए, वहां पर पीएच वैल्यू निकल जाएगा। तो अब यहां से ये समझ में आया कि पीएच क्या है और पीओएच क्या है। अब आगे कुछ और इससे रिलेटेड कैलकुलेशन करते हैं। अब यहां पर हम लोग पीएच वैल्यू निकालेंगे वाटर में, और अभी तक जो एक दो पॉइंट पढ़े हैं उसको ध्यान में रखना होगा। क्या क्या पढ़े हैं हम लोग, एक तो पॉइंट यह है कि द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोक्सी आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10^-14, यानी ये kW के बराबर होता है। दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़े पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इसका यूज करेंगे। अगर पीओएच निकालना है तो इट वुड बी इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्सी आयन कंसंट्रेशन। और एक और फॉर्मूला आया पीएच प्लस पीओएच इट इज इक्वल टू 14, यानी इन्हीं का जरूरत पड़ेगा हम लोग को न्यूमेरिकल्स बनाने में जो पीएच से रिलेटेड है। यहां ये kW के बराबर है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सी आयन किसी भी सॉल्यूशन में अप्लाई होता है, चाहे वो एसिडिक हो बेसिक हो और न्यूट्रल। यानी अगर कोई पूछे आपसे कि एसिडिक सॉल्यूशन का मतलब क्या निकला, तो आप बताओ कि एसिडिक सॉल्यूशन का मतलब हुआ क्योंकि एक्वस मीडियम है तो वाटर तो हाइड्रोजन आयन भी देगा और हाइड्रोक्सी आयन भी देगा, यानी ये दोनों तो प्रेजेंट रहेंगे। हाँ, अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा हाइड्रोक्सिल के कंपैरिजन में। ऐसा नहीं कि हाइड्रोक्सिल नहीं होगा, हाइड्रोक्सिल भी होगा बट हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कम होगा। और वहीं अगर सॉल्यूशन बेसिक नेचर का है तो हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा हाइड्रोजन आयन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हम लोग यहां पर एसिडिक सॉल्यूशन के बारे में एक्वस सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। और एक्वस कहने का मतलब जहां वाटर अवेलेबल। पहले हम लोग पीएच वैल्यू वाटर के बारे में बात करते हैं। अब ये लोग पढ़े हैं कि वाटर पार्शियली आयनाइज करता है एज H+ एंड OH-, यानी हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन का फॉर्मेशन करता है। वाटर के केस में हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल होता है, यानी कि इस जगह पर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। ये दो पॉइंट ध्यान रखना है। अब हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो वी नो, कोई भी सॉल्यूशन हो एसिडिक हो बेसिक हो या न्यूट्रल हो, उनमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन इन दोनों के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट 10^-14 के बराबर होता है। अब देखो वाटर के केस में ये दोनों बराबर है, तो जहां हाइड्रोक्सिल आयन है उसकी जगह पर हम लोग हाइड्रोजन आयन भी लिख सकते हैं। तो यहां लिखा जाएगा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इनटू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इट इज इक्वल टू 10^-14। OH को H कर दिए क्योंकि दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है। अब थोड़ा सा ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन आ गया,
हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर कर दिए 10^-14, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इट वुड बी इक्वल टू √10^-14 स्क्वायर को दूसरी तरफ ले, यहां ये वैल्यू आ गया 10^-7 मोलर हाइड्रोजन आयन निकल गया। अब जब हाइड्रोजन आयन निकल गया तो यहां से इसका पीएच वैल्यू निकालेंगे। पीएच का फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे, इट इज निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन माइनस लॉग 10^-7। अब यहां के बाद में एक फॉर्मूला याद रखोगे, लॉग 10^x इज इक्वल टू होता है एक्स लॉग 10, और लॉग 10 का वैल्यू 1 के बराबर होता है, यानी एक्स इंटू 1। ये वैल्यू कितने के बराबर हो गया, एक्स के बराबर। ये मैथमेटिकल रिलेशन है, फॉर्मूला है। तो लॉग 10^x इज इक्वल टू एक्स लॉग 10, तो यहां है लॉग 10^-7, तो एक्स की जगह -7 है, तो अगले स्टेप में हो जाएगा -7 log 10। आगे का ये निगेटिव पार्ट है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहां 10^-7 है, तो -7 और log 10। log 10 का वैल्यू 1 के बराबर, तो ये पार्ट 1 हो गया, और ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 7 × 1 इट मींस 7। यानी कि वाटर का पीएच वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। ये कैलकुलेट किए हम लोग, याद नहीं किए, ये कैसे आया, सिर्फ कंसेप्ट आया कि वाटर के केस में हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन दोनों बराबर होता है, और जब लोग पीएच वैल्यू निकाले 7, क्योंकि वाटर का पीएच वैल्यू 7 है, इसलिए ये न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, यानी कि ना तो एसिडिक और ना ही बेसिक। पहले बताएं कि किसी एक कंसेप्ट के अनुसार से कोई सॉल्यूशन एसिडिक हो सकता है, दूसरे से बेसिक हो सकता है, और किसी से न्यूट्रल हो सकता है। वाटर पीएच वैल्यू के अनुसार से न्यूट्रल है, लेकिन ब्रॉन्सन एंड लॉरी कंसेप्ट के अनुसार से एम्फोट्रिक है, और ये एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि इसको किसके साथ में आपने जोड़ा है। अगर अमोनिया यानी कि बेस के साथ जोड़ दिए तो ये एसिडिक बिहेवियर शो करता है, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जोड़ दिए तो उस कंडीशन में ये बेसिक बिहेवियर शो करता है, यानी एम्फोट्रिक भी है, और अगर पीएच वैल्यू निकाले तो वहां पर ये न्यूट्रल है। अगर लिविस कंसेप्ट को लेकर के चले तो वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पर इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये सिर्फ बेस के रूप में काम करेगा, एसिड नहीं कहा जाएगा। तो लिविस के अनुसार से ये सिर्फ बेस है, ब्रॉन्सन एंड लॉरी कंसेप्ट के अनुसार से एम्फोट्रिक है, और पीएच वैल्यू के अनुसार से न्यूट्रल है। तो एक ही केमिकल सब्सटेंस अलग अलग कंसेप्ट के अनुसार से अलग अलग बिहेवियर, अलग अलग प्रॉपर्टीज को करता है। तो हम लोग अभी पीएच के बारे में बात कर रहे थे, तो टॉपिक लिखा हुआ है पीएच ऑफ वाटर, ये पूरा डिटेल से आप लिखो। हम लोग पीएच से रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराते हैं, धीरे 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 एक एक स्टेप बढ़ाएंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन में कुछ नया कंसेप्ट आता चला जाएगा, इसलिए आप ध्यान से इसको समझोगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, डिटरमाइन द पीएच वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन एंड ऑल्सो प्रिडिक्ट देयर नेचर, यानी आपको ये भी बताना है कि वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। और यहाँ दिया हुआ है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0.001 मोलर, ये दिया हुआ है। अब इसे हम लोग स्टोर करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं, तो सबसे पहला काम ये करोगे कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो। तो 0.001 मोलर, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 10^-3 मोलर हाइड्रोजन आयन, पता चल गया। अब पीएच निकालना है, तो पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एच प्लस आयन कंसंट्रेशन माइनस लॉग 10^-3। अगले स्टेप में ये -3 है, आगे चलाएगा तो -3 लॉग 10, माइनस माइनस प्लस और लॉग 10 का वैल्यू 1, यानी कि इस कंडीशन में इनका पीएच वैल्यू 3 आ गया। अब जब पीएच वैल्यू 3 है तो सॉल्यूशन किस नेचर का हो जाएगा, एसिडिक नेचर का, ये बन गया। आगे और भी क्वेश्चन बनाते जाओगे तो एक चीज दिमाग में बैठ जाएगा कि 10^-1 में जितना होगा पीएच वैल्यू उतना ही होगा हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन, कैलकुलेट भी करना।
अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 5 है तो इस फॉर्मूले पर पुट करोगे तो पीएच वैल्यू 5 हो जाएगा। अभी वाटर के केस में निकाले थे, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन था 10 टू द पावर माइनस 7 तो पीएच वैल्यू कितना हो गया 7 हो गया। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त भी ये कांसेप्ट काम करता है। तो यहां पे ये बनाएं कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज गिवन, हाइड्रोजन आयन की जगह पर हाइड्रोक्सी आयन कंसंट्रेशन भी दिया जा सकता है। If hydroxyl ion concentration is given, or suppose its value is 0.00001. अब आपके पास नीचे सॉल्व करने के लिए यहाँ भी आपको pH निकालना है और नेचर प्रेडिक्ट करना है। नेचर के लिए आप pH ही निकालो, ये मेरा सजेशन है। आप pOH से भी निकाल सकते हैं और फिर pH से भी निकाल सकते हैं। पहले pH से बताते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन को 10 के पावर में कन्वर्ट कर दो तो हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन होती 1 डेसिमल के बाद है 1, 2, 3, 4, 5 तो यहां ये वैल्यू हो गया 10 टू दी पावर माइनस 5 मोलर। हम लोग को ये पता है, वी नो अभी एक रिलेशन डिराइव किए थे, प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इज ऑलवेज इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस 14 तो वो यहां पर लिखें मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14। ये एसिडिक हो, बेसिक हो या न्यूट्रल हो, किसी भी सॉल्यूशन में ये होता है। अब हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन आपको पता है 10 टू द पावर माइनस 5 तो यहां से अगर आपको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालना हो तो ये निकाल सकते हैं 10 टू द पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। वैल्यू पुट कर 10 to the power minus 14 divided by 10 to the power minus 5। यहाँ hydroxyl ion का concentration minus 5, solve करेंगे तो यहाँ ये value आ जाएगा 10 to the power minus 9। यहाँ जगह है, इसी जगह पर solve करते हैं। It means the hydrogen ion concentration is equal to 10 to the power minus 9 molar। अब pH value निकालते हैं। pH is equal to negative logarithm of hydrogen ion concentration minus log 10 to the power minus 9। यहाँ power minus 9 है तो minus minus 9 और log 10 का value 1 तो यहाँ 1 कर दिए तो pH value कितना हो गया 9। तो अगर किसी solution का pH value 7 से ज्यादा है तब उस condition में ये solution basic nature का होगा, ये basic हो। तो दो क्वेश्चन बताए, एक में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दिया हुआ था तो आपने पीएच निकाला, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन दिया हुआ था तो भी आप यहां पर पीएच निकाले। इसी क्वेश्चन में जब हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन दिया हुआ था तो आप पीओएच निकाल करके भी पीएच निकाल सकते हैं। उसे और करके समझाते हैं, यहां पे इसे सॉल्व करेंगे तो पीओएच ऐसे हाइड्रोक्सिल आयन से स्टार्ट हुआ। According to question, the hydroxyl ion concentration is equal to 10 to the power minus 5 molar. अब pOH निकालो, pOH is equal to negative logarithm of hydroxyl ion concentration, OH minus ion concentration, और ये value हो जाएगा minus log 10 to the power minus 5. अगले step में minus minus 5 और log 10 का value 1, यानी 5. ये pOH वैल्यू निकला है 5 और सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा, ये pH पर डिपेंड करता है। दिमाग में बैठा लो, वो pH पर डिपेंड करता है। कब यहां के बाद में एक और फार्मूला हम लोग ये यूज करेंगे। नाउ pH प्लस pOH ये कितने के बराबर होता है, 14 के बराबर। देयरफॉर pH वुड बी इक्वल टू 14 माइनस पीओएच, यानी 14 माइनस पीओएच का वैल्यू 5 आया है तो 14 माइनस 5 यानी 9। देखो यहां भी 9 आ गया और इस मेथड से भी निकाले हैं तो भी 9 आया, और यहां पर भी आप लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन किस नेचर का है, बेसिक नेचर का। यानी कंसेप्ट ये आया, इफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इज गिवन देन वी हैव टू ऑप्शन, देन वी हैव टू मेथड्स टू डिटरमाइन द पीएच वैल्यू।
या तो पहले हाइड्रोक्सिल आयन से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालेंगे और फिर पीएच निकालेंगे, या फिर हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन से पीओएच निकालेंगे और उसको 14 में से माइनस करके पीएच निकालेंगे। दोनों हम बता दिए हैं, दोनों आप बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिक तरीके से ढंग से अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। अभी तक जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें या तो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन दिया हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन की बजाय किसी एसिड और बेस का कंसंट्रेशन भी दिया जा सकता है और वहां आपसे कहेगा पीएच वैल्यू निकालने के लिए। जैसे अगर मान लिए कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया हुआ, इट्स वैल्यू इज 0.001, या एक और जीरो बढ़ा देते हैं 0.1, कोई भी कंसंट्रेशन हो सकता है। अगले स्टेप में हम लोग पढ़ेंगे कि हाँ ये 0.001 की जगह पर 0.002345 हो, तब वो लॉग का यूज करना पड़ेगा, लेकिन अभी एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो अब यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कंसंट्रेशन दिया हो, हाइड्रोजन क्लोराइड का हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कंसंट्रेशन। अब यहां पर इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पहले आयनाइज करो, तब पता चलेगा कि किनका कितना कंसंट्रेशन है। HCl का आयनाइजेशन करेंगे तो ये आयनाइज करता है एज H+ + Cl-। देखो यहां हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नंबर ऑफ मोल 1 है और हाइड्रोजन आयन का भी नंबर ऑफ मोल 1 है, तो अगर इनका कंसंट्रेशन दिया हुआ है ये 10^-4 हो गया, ये 10^-4 है, तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन भी 10^-4 हो जाएगा, यानी कि दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है। तो यानी कि आप लिख सकते हो दैट इज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10^-4 मोलर। अब जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पता चल गया तो आप पीएच निकाल सकते हो, तो यहां जाएगा नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन माइनस लॉग 10^-4, और अब समझ में आ रहा है कि माइनस 4 है तो फाइनली इसके पीएच का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी फॉर्मूला के बाद आप ये पुट कर दिए और 4 है, इट मींस द सॉल्यूशन कुड बी एसिडिक इन नेचर, तो ये सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का होगा। एक और बताते हैं, सपोज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज गिवन, CaOH2 इज गिवन एंड इट्स वैल्यू इज गिवन 0.0005 मोलर, ये दिया हुआ। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आयनाइजेशन करो, CaOH2 ये आयनाइज करता है HCl2+ + 2OH-, ये 0.0005 को अगर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 1, 2, 3, 4, यानी कि 5×10^-4 मोलर। इनका 1 मोल है तो हाइड्रोक्सिल आयन का 2 मोल है, तो जब यहां 5×10^-4 मोलर है तो ये वैल्यू हो जाएगा 2×5×10^-4। यहां समझना 2 कहां से आ गया, क्योंकि 1 मोल के आयनाइजेशन से 2 हाइड्रोक्सिल आयन दिया हुआ है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। यहां 1 मोल हाइड्रोजन आयन ही है इसलिए जितना इनका कंसंट्रेशन उतना ही आएगा, अगर यहां 3 होता तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होता, तो 5×10^-4 मोलर, और 10×10^-4 करोगे तो ये वैल्यू हो गया 10^-3 मोलर। तो अभी ये निकल गया हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन का वैल्यू। अब अभी आप लोग पढ़े हैं कि 2 मेथड है आपके पास में, अगर हाइड्रोक्सिल है तो या तो पहले आप हाइड्रोजन आयन निकाल लीजिए या फिर पीओएच निकाल करके उसको 14 में से माइनस कीजिए, दोनों में से जो आप कंफर्टेबल फील करते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं, यहां पर हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन OH- आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10^-3 मोलर। तो अब यहां से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं, इट वुड बी इक्वल टू 10^-14 डिवाइडेड बाय हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, इट मींस 10^-14 डिवाइडेड बाय 10^-3, यहां 14 है और ये -3 है, ये वैल्यू हो गया 10^-11 मोलर। अब पीएच निकालो, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन माइनस log 10^-11,
यानी पीएच वैल्यू एलिमेंट, तो सॉल्यूशन किस नेचर का हो गया, बेसिक नेचर का हो गया। तो अभी पीएच निकालने में सिर्फ 4 क्वेश्चंस हो चुके हैं, अभी ये और बढ़ेगा। मोलरिटी दिया हुआ था, अगले स्टेप में आगे बढ़ेंगे हम लोग कि मोलरिटी की जगह पर मास और वॉल्यूम दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन चैप्टर याद है, थोड़ा सा पढ़ करके भी देखिएगा, इसलिए आप यही रोक रहे हैं कि सॉल्यूट का मास दिया हुआ हो, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ हो, तो मोलरिटी कैसे निकालते थे, सब बेसिक कंसेप्ट। फिर मोलरिटी के बाद में आगे बढ़ेंगे, फिर आगे आएगा कंडीशन कि अभी तक जो हम लोग वैल्यू सोल्व कर रहे हैं वो 10 के पावर में, लॉग टेबल यूज करने की जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कैलकुलेशन के बाद में लॉग के फॉर्म में वैल्यू है, तब वहां पर हम लोग पीएच और पीओएच वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो पीएच अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, एक एक स्टेप एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तो अगले क्लास में इससे आगे का बात करेंगे हम लोग। तो यहां जिस जगह तक बताए हैं इसको आप नोट कर लीजिएगा, कुछ एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन में दे रहे हैं, उसको आप बनाओगे और असाइनमेंट में आप सबमिट कीजिएगा। आपके बैच में अनफॉर्चुनेटली असाइनमेंट सबमिशन ओनली 50% के अप्रॉक्स है, टेस्ट भी ओनली 50% ही दे रहे हैं, स्टूडेंट तो है। अगर आप 50% लोग ही तैयार हैं टेस्ट देने के लिए और असाइनमेंट सबमिट करने के लिए, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान है, क्योंकि आगे जब 12th में इस कंसेप्ट का जरूरत पड़ेगा तो वहां पर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, वहां पर आपके पास में समय नहीं रहेगा कि फिर बैक में जाकर के इस कंसेप्ट को जो क्लियर करें। इससे थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, इसके ऊपर इंपॉर्ट कीजिए। तो जो क्वेश्चन देंगे उसको आप बनाओगे, मेरे साथ में चलोगे, नहीं तो परेशानी पड़ जाएगी। तो आज यहीं तक,